जब भी चुनाव आता है तब, जब भी चुनाव आता है उनको झूठा झूठ झूठ में सब फंसा देते हैं। मतलब वो लोग चाहते हैं कि चुनाव ना लड़े, चाहते हैं कि चुनाव ना लड़े, पीछे हट जाएं। ये किसी का बुरा भी नहीं करते हैं, सबको सब देखते हैं, हम खाना तक नहीं खाते हैं, सबको मदद करते हैं। रात भी रात कभी भी सब आएंगे, बूढ़ पुरानिया किसी को सबका मदद करते हैं, तभी सब चुनाव की वजह से फंसा देते हैं। चुनाव जब भी आ जाता है तब ये लोग ऐसे ही करते हैं, नहीं तो साल भर 5 साल शांत रहेंगे। जब चुनाव पास में आ जाएगा, 1-2 महीना रहेगा तब की पत्नी आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करने आए हैं। इनका आरोप है कि पुलिस इनके पति को एक मामले में, जबकि जो मामले में तहरीर दिया था उसमें इनका नाम नहीं था, और जिससे मामला था वो SSP से भी कह चुका है कि मेरे पति इस मामले में नहीं थे, लेकिन फिर भी पुलिस उनको उस मामले में उनका नाम डाल रही है। किस मामले में आज पत्रकार वार्ता कर रही है? मेरे जेठ के ननद के लड़के ने मारपीट किया और उस समय थे भी नहीं, तभी इनका नाम डाल दिए, कोई और डाल दिया है। तो यही हम चाह रहे हैं, मेरे पति निर्दोष है, इनका नाम निकल जाए। ये बताइए, जो मामले में आप कह रहे हैं कि नाम नहीं डाला, जो तहरीर दिया वो क्या कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? हमसे कह रहे हैं चाची कि हम नहीं उनका नाम लिखवाए हैं, मुझे नहीं ये सब पता है। तहरीर की कोई कॉपी ओपी, फोटो कॉपी ओपी वो दिखाए थे उनके पास? हाँ दिखाए थे, तहरीर की कॉपी दिखाए, हाँ लाए हैं। आप कुछ अधिकारियों से संपर्क नहीं की? एक बार हम गए थे लेकर, तो कह रहे हैं ठीक है, देख रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं आपका, तो अभी कुछ हुआ नहीं। अभी कुछ नहीं, 1 महीना ज्यादा दिन हो गया, बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे को लेकर अकेले। किस पे संदेह, कौन करवा रहा है ये सब? ये सब राजनीति होती है, जब चुनाव आ जाता है तब ऐसा करते हैं सब लोग। अभी आपके पति राम भवन निषाद कहाँ है? रविंदर निषाद कहाँ? अभी यहाँ तो नहीं है, मतलब कहीं बाहर, कहीं, हाँ ज्यादा दिन हो गया। इसका चुनाव आप लड़ेंगे? हाँ हम ही लड़ेंगे। तो मतलब आपका कहना ये है कि पूरी तरह से राजनीतिक है, जब चुनाव आता है, जब चुनाव आ जाता है तब लोग राजनीति खेलते हैं, इनका मुकदमे में नाम नहीं रहता है तब भी डालवा देते हैं, झूठ झूठ में इनको फंसाया जाता है हर बार कि चुनाव ना लड़ पाए। मतलब जिस आपके, आप ही के देखा जाए तो आप ही के परिवार में झगड़ा हुआ था, और जो जिन लोगों के बीच हुआ था तो वो लोग मतलब पूरी तरह से कह रहे हैं कि वो लोग नहीं, चाची हम नहीं करवाए हैं, हम उनसे बात हुआ तो कह रहे हैं नहीं करवाएं। नहीं करवाएं जी। वो लोग आपके साथ? ओ हमारे साथ हैं, दोनों लोग कह रहे हैं कि हम इनका नाम नहीं सिखाए हैं, जिनको चोट लगा है वो कह रहे हैं नहीं डलवाएं इनका नाम। हाँ तो क्या ये मौके पे उन लोग वो आने के लिए तैयार थे, यहाँ उनको लाई हैं? अभी आए हैं मोनू सर, यही भिजवाए हैं। एफिडेविट दिया है, उनका कहना है कि मैं आप एफिडेविट देता हूँ गोरखपुर पुलिस और कप्तान साहब को, कप्तान साहब के पास एफिडेविट जमा किया, शपथ पत्र दिया है कि इस मामले में उनका नाम नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। फिर भी उनकी पत्नी आज प्रेस वार्ता कर रही है, उनका कहना है कि लगभग 1 महीने से इसी तरह से मैं परेशान हूँ, यहाँ वहाँ लोगों से गुहार लगा रहा हूँ, जब भी चुनाव आता है हम बहुत परेशान हो गए हैं, लेकर पति के बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, झूठ झूठ में फंसा देते हैं सब लोग, हमें बहुत दिक्कत होता है, मतलब हर बार का यही काम हमेशा। जब भी चुनाव आता है उनको झूठा झूठ झूठ में सब फंसा देते हैं। मतलब वो लोग चाहते हैं कि चुनाव ना लड़े, चाहते हैं कि चुनाव ना लड़े, पीछे हट जाएं। ये किसी का बुरा भी नहीं करते हैं, सबको सब देखते हैं, हम खाना तक नहीं खाते हैं, सबको मदद करते हैं। रात भी रात कभी भी सब आएंगे, बूढ़ पुरानिया किसी को सबका मदद करते हैं, तभी सब चुनाव की वजह से फंसा देते हैं। चुनाव जब भी आ जाता है तब ये लोग ऐसे ही करते हैं, नहीं तो साल भर 5 साल शांत रहेंगे, जब चुनाव पास में आ जाएगा 1-2 महीना रहेगा तब सब लोग ऐसे ही कर देते हैं। अच्छा, कौन वो लोग करते हैं, किसी का नाम आप जानते हैं, किसी को कौन है वो? नहीं पता, नाम नहीं पता। मतलब चुनाव नजदीक आ गया तो ये सब शुरू हो गया, 5 साल हमेशा ऐसा ही होता है। अभी घर पे आप किसके साथ? अभी कोई नहीं, हम ही दो लोग रहते हैं, हम अपने पति के साथ रहते हैं, दो बच्चे हैं छोटे, ये आपका बच्चा? हाँ ये, एक और है।
प्रिय रविंदर निषाद की पत्नी थी, इनका साफ आरोप है कि जब चुनाव आता है तो इस तरह के केसेस में फंसाए जाते हैं। मेरे दो छोटे बच्चे हैं, मैं और वो घर पे रहते हैं, लेकिन पुलिस के डर से वो इस समय घर पे नहीं। बड़ा सवाल ये है कि जब शपथकर्ता ये शपथ दे रहा है कि उस मामले में रविंदर निषाद नहीं थे, तो गोरखपुर पुलिस आखिर किस आधार के तहत उनका नाम उस मामले में दर्ज किया। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े।